हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर में। तो दोस्तों, अभी बजने वाले हैं शाम के 4:30। तो आज के व्लॉग की शुरुआत दोस्तों मैं कर रहा हूँ 4:30 बजे से। और मौसम दोस्तों बाहर एकदम से खराब है, बारिश हो रही है। मौसम अब बरसात का मौसम है, बरसात चल पड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखें, नेगेटिव कभी मत सोचें लाइफ में। जिंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख आते हैं। इसका जो भी फैसला है दोस्तों वो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि वही करता है, वही सब कुछ है और वही हमारा सुख दुख। और जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है सब उसके कर्मों से होता है दोस्तों। तो एक समय की बात है दोस्तों, एक समय में क्या होता है, भगवान विष्णु एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने अपने बहन गरुण जी महाराज के ऊपर बैठ कर गए। तो कैलाश पर पहुंचकर वो अंदर भगवान महादेव से मिलने चले गए और गरुण को अपने द्वार पर रुकने को कहा। तो तभी गरुण जी महाराज की नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होती है। तो दोस्तों, तो वो गरुण जी महाराज उस चिड़िया को देख के बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं मन ही मन में। तभी अचानक वहां पे यमदेव यमराज जी महाराज आते हैं और उस चिड़िया की तरफ बहुत आकर्षित होकर देखते हैं वो। तो और अंदर चले जाते हैं शिव जी से मिलने। तभी गरुड़ जी महाराज सोचते हैं कि यमदेव ने चिड़िया की ओर इस नजर से क्यों देखा, शायद चिड़िया की मृत्यु होने वाली है। तो उन्हें उस चिड़िया पर दया आ गई और जितने में यमदेव बाहर आते हैं तब तक वो उस चिड़िया को वहां से कहीं दूर ले जाते हैं, कहीं जंगल में, और वापस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब यमदेव शिव से मिलके बाहर आते हैं और वो क्वेश्चन यमदेव से करते हैं कि आप उस चिड़िया की ओर आकर्षित भरे नजर से क्यों देख रहे थे, तभी यमदेव बोलते हैं, मैं समझ गया था कि कोई गरुण इस चिड़िया को यहां से बहुत दूर ले जाएगा और नाग इसको डस लेगा। तभी गरुड़ जी महाराज समझ लेते हैं कि कोई कितना भी कोशिश करे मृत्यु को टाल नहीं सकता है, ना मृत्यु टल सकती है। इसलिए दोस्तों सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, लंगूर और गोरिल्ला भी अपने ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नहीं हंसोगे तो सभ्य कहलाओगे मगर आप पर हंसने वाली दुनिया पड़ी है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी गाड़ियां क्यों ना हो मगर बाथरूम के दरवाजे तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों संभल के चलिए, जिंदगी का सफर बहुत छोटा है। लाइफ इज ए स्मॉल गैप बिटवीन डेथ एंड बर्थ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक हैप्पी अदर। दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बहुत मजा आएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर वो होगा जो तू चाहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये पॉजिटिव थिंक अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक करें और हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी और अपडेट दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों मेरे साथ
नए मेंबर्स बहुत सारे जुड़े हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों बनाए रखें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भीम चंद बली, नमस्कार।